हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या आप सबको मैं लाइव दिख रही हूँ दोस्तों? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मैं आप सबको लाइव दिख रही हूँ? हेलो 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 अनीता, हेलो एसएस विग्नेश बरन, हेलो नलिनी, हेलो पूजा, सभी का ही हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज का सेशन लेना शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूं दोस्तों। मेरा नाम प्रीति मंडयाल है और मैं अनएकेडमी पर स्टार वेरीफाइड और प्लस एजुकेटर हूँ। और साथ में दोस्तों मैं अन अकेडमी पर टॉप एडुकेटर अवार्डी भी हूँ। अभी हाल ही में अवार्ड लेकर आई हूँ, पर हाल ही नहीं, पिछले साल मार्च में मैं अवार्ड लेने गई थी टॉप एडुकेटर के लिए। एंड साथ में हाल ही में 2019 दिसंबर का जो रिजल्ट रहा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए मैं टॉप 5 एजुकेटर में रही हूँ और इंग्लिश लिटरेचर से एक हूँ। एंड आशा करती हूँ इस बार भी उसमें जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप सबका प्यार और ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। साथ में दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अन अकेडमी लाइव एंड TA UGC नेट, जहां पर अन अकेडमी पर इंडिया के टॉप एडुकेटर आकर आपको पढ़ाते हैं। और साथ में अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे, अच्छे से समझ आए, तो जरूर इस वीडियो को भी थम्स अप दें, अपना प्यार दें और आगे अपने सब बडीज के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें पता लगे कि किस तरीके से अन अकेडमी पे पढ़ाया जाता है एंड किस प्रकार से आपकी हेल्प की जाती है। साथ में दोस्तों मेरा नाम प्रीति मंडयाल है, जैसे कि मैंने बताया, प्रीति मंडयाल के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप सिंपली टेलीग्राम पे अगर हो तो प्रीति मंडयाल जो मेरा नाम है, इसे सर्च करें, वहां पर मेरी डीपी भी लगी हुई है एंड आप मुझे वहां पर मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज आप देखते हैं, आज का हमारा टाइटल है शोभा डे एंड हर वर्क। तो शोभा डे एक पॉपुलर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की राइटर है, तो इन्हें आज हम देखना शुरू करेंगे। तो आइए देखना शुरू करते हैं। और एक और बात, शुरू करने से पहले, मैं अन अकेडमी पर लाइव पढ़ाती हूँ, आप भी वहां पर लाइव क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। आप प्रीति एम लाइव, ये कोड है, इसे यूज करके 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और जो मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी मैं क्लासेस लूंगी एंड ऑल, उससे आप अपडेशन में रहेंगे और टेलीग्राम चैनल भी जरूर आप जुड़ जाइएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हंसते हंसते कट जाए पढ़ाई के रास्ते। हाँ जी नलिनी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो रस्किन बॉन्ड वाला मैं सेशन नहीं ले पाई थी, हालांकि वो लॉन्च हो गया था। मुझे कोल्ड कफ फीवर एंड हेडेक था, एंड कोरोना के डर से तो ऐसे ही ज्यादा मन करता है कि मैं ध्यान रखूं। ठीक है खुशबू, सॉरी बट अन अकेडमी की तरफ से, हालांकि आप सब बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत प्यार रहा, पर स्टिल अन अकेडमी की तरफ से मुझे कहा गया है कि मैं पेपर सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर के लिए फिलहाल फॉलो करूं। ठीक है, पर आप सब जानते हो ना, पेपर वन को लेकर 60 डेज का क्रैश कोर्स अन अकेडमी के इसी चैनल पे चल रहा है, तो उसे आप जरूर देखें। ठीक है, तो आइए बेटा आज का राइटर करना शुरू करते हैं, शोभा डे। तो शोभा डे के बारे में देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो शोभा डे के बारे में दोस्तों, सबसे पहले हम उनके बारे में, कहाँ से वो हैं, थोड़ा सा वो सारा फैमिली बैकग्राउंड वाली चीजें लेंगे। तो आइए देखिए, शोभा डे इज अ प्रोलिफिक राइटर बॉर्न इन महाराष्ट्र एंड ब्रॉट अप इन मुंबई इंडिया। ठीक है, तो शोभा डे की खास बात क्या है, उनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ है एंड उनका जो पूरा ब्रॉटअप है वो इंडिया के मुंबई में हुआ है, भारत के मुंबई में उनकी पूरी परवरिश हुई है एंड ऑल, और वो महाराष्ट्र में ऑब्वियसली वो पैदा हुई है। शी इज अ कॉलमनिस्ट एंड नॉवलिस्ट। बेसिकली वो नॉवलिस्ट तो है ही, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवल हमें लिख के दिए हैं, इसके अलावा वो कॉलमिनिस्ट भी हैं। ठीक है, कॉलमिनिस्ट क्या होता है बेटा, जैसे बहुत सारे हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें कोई ना कोई पर्सन होते हैं जो किसी ना किसी कॉलम के लिए लिखते हैं ना, एडिटोरियल पेज, तो वैसा भी शोभा डे जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है। काफ़ी सारे कॉलम भी इन्होंने डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए लिखे हैं।
शी बिगेन हर करियर एज अ जर्नलिस्ट। और अगर आप ये जानना चाहें कि नॉवलिस्ट बनने से पहले उनका मेन प्रोफेशन क्या था, तो उन्होंने जो अपना करियर है एज अ जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार शुरू किया था। ओके, ही टुक साइकोलॉजी सब्जेक्ट इन हर ग्रेजुएशन कोर्स विच हैज हेल्प्ड हर अलॉट व्हेन शी स्टार्टेड हर करियर इन राइटिंग। ठीक है, और बेटा उन्होंने बेसिकली साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था अपने ग्रेजुएशन कोर्स में। ठीक है, और जब उन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया अपने ग्रेजुएशन कोर्स में, तो कहीं ना कहीं इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट ने, जैसे वो साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ी, उसे समझा एंड ऑल, तो इसने दोस्तों उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उनके राइटिंग के करियर में। जैसे जब वो लेखिका बनी, उन्होंने अच्छे अच्छे एक तरह से करेक्टर क्रिएट किए, अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन क्रिएट की, अच्छे से नॉवल लिखे, तो इसमें जो उन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था उसने उनकी बहुत मदद की। एंड शी इज आल्सो नोन एज और आल्सो कॉल्ड जैकी कॉलिंस ऑफ इंडिया। और आपको पता है इन्हें भारत का जैकी कॉलिंस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक आपको बात बताना चाहूंगी, जैसे भारतीय हमारे ड्रामेटिस्ट हैं कालिदास, आप सबने सुना होगा, कालिदास को हम क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर। क्यों कहते हैं? क्योंकि शेक्सपियर भी ड्रामा लिखते थे एंड बहुत पॉपुलर ड्रामेटिस्ट थे, एंड कालिदास भी जो हैं हमारे ड्रामा लिखते थे एंड बहुत पॉपुलर ड्रामेटिस्ट थे। ठीक है, तो वैसे ही शोभा डे का जो कंपैरिजन है वो जैकी कॉलिंस ऑफ इंडिया से किया जाता है। ये कहा जाता है कि वो भारत के जैकी कॉलिंस हैं। तो जैसे शेक्सपियर एंड कालिदास में कॉमन था ड्रामा, तो अब आपने मुझे बताना है कि जैकी कॉलिन और शोभा डे में क्या कॉमन है जिस वजह से हम इन्हें कंपेयर कर रही हैं। ओके, तो थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। शोभा डे महाराष्ट्र में पैदा हुई हैं, मुंबई में उनका ब्रॉटअप हुआ है, वो कॉलमिनिस्ट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं। बेसिकली उन्होंने अपना करियर जो है जर्नलिस्ट के तौर पे शुरू किया था एंड साइकोलॉजी उन्होंने मेन था जो अपने ग्रेजुएशन टाइम पीरियड में पढ़ा, जिन्होंने उन्हें बहुत हेल्प की आगे चलकर एक बेहतरीन राइटर बनने में। जब उन्होंने बहुत अच्छे से नॉवेल्स लिखे, वर्क लिखे, इतनी मस्त वाली बिंदास वाली कैरेक्टराइजेशन की, उसमें उन्होंने जो साइकोलॉजी पढ़ा था उस चीज़ ने उनको हेल्प किया और उन्हें जो है जैकी कॉलिंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एक प्रश्न है छोटा सा, आप इसे गूगल पे सर्च कीजिएगा कि क्यों इन्हें जो है हम जैकी कॉलिंस ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे इनके वर्क। ठीक है, शोभा डे के जो भी वर्क हैं वो हम सारे अब करेंगे। इससे पहले कि ये जो सारे वर्क हैं मैं आपको बताऊं, पहली बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जनरली किस प्रकार के हमें प्रश्न जो हैं इन वर्क से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ऑड वन आउट, ओके, कि कौन सा वर्क राइटर का है और कौन सा नहीं है। आप ये तभी बता सकते हो जब एटलीस्ट पहले आपको पता हो कि कौन इसके वर्क हैं। तो इतने सारे राइटर्स होते हैं एंड इतने सारे उनके वर्क होते हैं, तो वी गेट कन्फ्यूज्ड कि यार इतने हजारों राइटर हैं एंड उनके हजारों वर्क है, हाउ वी विल रिमेम्बर इट। तो यहाँ पर एक टिप मैं आपसे देना चाहती हूँ कि सारे के सारे राइटर करने की जरूरत नहीं है। कुछ मुट्ठी भर राइटर हैं, नो डाउट मेहनत है, पर कुछ मुट्ठी भर राइटर हैं जो आपको ब्रिटिश हिस्ट्री क्लासिक्स, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और वॉर लिटरेचर के देखने हैं। अगर आप उनको कर लें एंड उनके वर्क को कर लें, तो बस उसी से ही कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजिकली जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्क वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, या ऑड वन आउट के प्रश्न आते हैं कौन किसका वर्क है या नहीं, वो वहीं से ही आपके सारे कंपनशेट हो जाते हैं। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हार्डवर्क तो करना है पर एक स्मार्ट अप्रोच के साथ, एंड वो आप कब कर पाओगे, जब आपको प्रॉपर पता लगेगा कि वाकई करने कौन से राइटर हैं, एंड वो सारे आपको ऑब्वियसली मिलते हैं जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आते हो। तो आइए अब हम शोभा डे के सारे वर्क देख लेते हैं। इन वर्क में हमारे एक तो शोभा डे के सारे वर्क भी तैयार हो जाएंगे कौन कौन से हैं, साथ में ट्रिक मैं अभी आपसे शेयर करूंगी जिससे आपको ये वर्क समहाउ याद करने में मदद मिलेगी क्रोनोलॉजिकली। सेकेंड नंबर पे आपको जो है पेपर में अगर प्रश्न आ जाए कौन वर्क शोभा डे के हैं या नहीं, वो भी आप फिगर आउट कर पाओगे, और अगर आपको क्रोनोलॉजिकली भी इनके वर्क बताने को आ गए वो भी आप बता पाओगे। ठीक है, तो शोभा डे में देखिए सबसे पहले वर्क देख लेते हैं कौन से हैं। सोशलिस्ट इवनिंग 1989, स्टेरी नाइट्स 1989, सिस्टर्स 1992, शूटिंग फ्रॉम द हिप 1994,
Small Betrayals 1995, Second Thought 1998, Speed Post 1999, Spouse, The Truth About Marriage, एंड उसके बाद है संध्याज सीक्रेट 2009, और फिर हमारे पास है शेठ जी 2012, और फिर हमारे पास है शोभा नेवर अ डल डी 2013, और उसके बाद हमारे पास है स्मॉल बिट्रेल्स 2014। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे जो वर्क हैं हमारे पास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और ये सारे वर्क शोभा डे के हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर वर्क यहाँ पे एस से शुरू हो रहा है, सोशलाइज्ड इवनिंग, स्टेडी नाइट्स, और ठीक है, तो शोभा डे की जो भी वर्क अभी हम करने वाले हैं ये सारे पहली बात एस से शुरू हुए हैं, पहली बात ध्यान रखिएगा। सेकेंड, अब हम इन वर्क की एक स्टोरी लाइन देखेंगे, जिस स्टोरी लाइन से हमको हेल्प मिलेगी कि कैसे अगर हमें क्रोनोलॉजिकली ये अरेंज करने को आ जाएं तो हम उन्हें अरेंज कर पाएं। ओके, एंड ऑड वन आउट भी अगर आपको प्रश्न आ जाए कि कौन शोभा डे का वर्क है कौन नहीं, वो भी आप देख पाएं। ओके, तो ये टिप रहता है, मैं कभी भी कोई भी राइटर कराऊं, चाहे ब्रिटिश हिस्ट्री क्लासिक्स का है, चाहे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का है या वर्ल्ड लिटरेचर का है, मेरा काम रहता है बींग अनअकैडमी एजुकेटर कि आपको एक तो वही राइटर मिले जो वाकई काम के हैं, जैसे कि शोभा डे में से एक है, एंड सेकंड नंबर पे जो भी राइटर हम करें उनके हर वर्क की हम एक स्टोरी टाइप बना दें, ताकि समहाउ अगर आपको एग्जाम में वो प्रश्न आए तो आप उनको बेनिफिट कर पाएं, उनका फायदा उठा पाएं। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क सब करते हैं पर हमें अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट अप्रोच से करना है। और एक और बात कहना चाहूंगी, कल भी मैं आपको 5 बजे ही सेशन लेते हुए यहाँ पर मिल जाऊंगी, तो इस महीने पूरा मैं आपको 5 बजे सेशन लेते हुए मिलूंगी। सारे ही सेशन रहेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 पर, जिसमें इस महीने भी मैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स पे फोकस कर रही हूँ। तो देखिए, ऐसे हम इसकी स्टोरी याद रख लेते हैं कि सोशलाइज्ड इवनिंग, सोशलाइट यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इवनिंग अपनी स्पेंड कर रहे हैं, स्टेडी नाइट्स जब वो अपनी इवनिंग स्पेंड कर रहे हैं, मतलब शाम का माहौल है, तो जो नाइट्स हैं बड़ी स्टेडी सी हैं, नाइट्स और रात का समय है। सिस्टर्स, तो कुछ उसमें जो मेन सोशलिस्ट हैं जो इकट्ठे हुए हैं वो कुछ बहने हैं, सिस्टर्स हैं, शूटिंग फ्रॉम द हिप जो बेसिकली शूटिंग कर वापिस आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिन सिस्टर्स का जिक्र है वो बेसिकली मूवी बैकग्राउंड से हैं एंड एक्ट्रेसेस हैं, वो शूटिंग करके आई हैं। ओके, एंड उसमें से खास बात क्या है, उसमें से एक जो बहन है उसमें से एक बहन के साथ जो है धोखा हो गया है। ठीक है, स्मॉल बिट्रेल, उसके साथ कुछ धोखा हो गया है, तो वो उन धोखों के बारे में सोच रही है। जैसे होता है ना कि आप अपना काम करके कहीं से आए हो एंड यू आर जस्ट सिटिंग एंड जस्ट थिंकिंग कि अच्छा क्या हो रहा है, तो जो सिस्टर्स हैं सारी शूटिंग करके कहीं से आई हैं, शाम में बैठी हैं, तो उसमें से एक बहन है वो सोच रही है स्मॉल बिट्रेल की कैसे उसके साथ कुछ धोखा हो गया है, एंड वो फिर सेकंड थॉट लाने की कोशिश करती है, वो सोचती है कि अच्छा मेरे साथ धोखा हुआ है तो अभी मुझे इस पर चलना चाहिए या मुझे कोई नया थॉट लाना चाहिए, एंड वो स्पीड पोस्ट और स्पीडी होके वो इसके बारे में कुछ सोचने की कोशिश करती है। ठीक है, तो क्या है, एक जो बहन है उसके साथ कुछ बिट्रेल, कुछ धोखा हो गया है, सेकंड थॉट, तो उस धोखे पर वो कुछ नया सोच रही है, दिमाग में सोच ला रही है, स्पीड पोस्ट एंड बड़ा स्पीडअप होके वो काम करना चाहती है, बड़ा स्पीडअप होके वो सोचना चाहती है कि जिसने उसको धोखा दिया है तो वो कैसे इस पर डिसीजन ले, क्योंकि कल से वो फिर से मूवीज़ की शूटिंग में वापस हो जाएगी, फिर सोचने को समय नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉपर धोखे के बारे में सोच रही है, बिट्रेल के बारे में थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं एंड स्पीडअप होके वो कोई डिसीजन लेना चाहती है। ओके, एंड फाइनली क्या होता है, स्पाउस द ट्रूथ अबाउट मैरिज। ठीक है, तो फाइनली जो है यहाँ पर कौन सा वो धोखा है, क्या स्टोरी लाइन है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी इसके आगे, पहले आप इतना इनको नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए ऐसे ही वर्क हैं शोभा डे के, एंड इतनी स्टोरी अभी तक हमने की, क्या वो धोखा है किस बहन के साथ होता है वो अभी हम देखेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, स्वागत है लक्ष्मी, स्वागत है संजू, सभी नोट कर लीजिए बेटा इतना, जब हो जाए तो मुझे थम्स अप दीजिए।
सभी नोट करके थम्सअप दे दें। आई होप आपने इतना नोट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे वो सेकंड थॉट आ रहा है, वो सोच रही है कि क्या भी डिसीजन है उसे ले। तो यहाँ पर क्या है बेटा, स्पाउस द ट्रूथ अबाउट मैरिज। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपके यहाँ पर एक एक्चुअली ना, यहाँ पे तीन बहनों में से एक है संध्या, एक बहन संध्या है जो पूरे धोखे के बारे में सोच रही है एंड ऑल। तो उस संध्या को ना एक शेठ जी करके पर्सन है, उसके साथ उसका प्यार चल रहा है, उसकी स्टोरी चल रही है, जैसे कि काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस के केस में बताया भी जाता है। ठीक है, जैसे उनको प्यार हो जाता है एंड ऑल, तो वो भी एक एक्ट्रेस ही है, तो उसको प्यार ना शेठ जी के साथ चल रहा है। तो अचानक से उसे पता नहीं है कि शेठ जी जिसके साथ वो प्यार में है उसकी शादी पहले से हो गई है, एंड उसकी स्पाउस आती है संध्या से मिलने एंड ट्रूथ अबाउट मैरिज, और वो उसके पास आकर मैरिज का भेद खोलती है। ठीक है, वो उसके पास आती है एंड वो मैरिज का भेद खोलती है कि ऐसे ऐसे संध्या, तुम जिससे प्यार करती हो शेर जी, उससे तो उससे मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है। तो यही धोखा बेसिकली मिला होता है। ठीक है, सोशल लास्ट इवनिंग, शाम लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इवनिंग स्पेंड कर रहे हैं, स्टेरी नाइट्स रातें हैं, काली रातें हैं, सिस्टर्स कुछ इसमें बैठी हुई हैं, शूटिंग फ्रॉम द हिम कुछ पहने हैं जो हिप से या सोच लो हिल से शूटिंग करके वापस आई हैं। तो उसमें से एक बहन स्मॉल बिटेल, कुछ धोखा उसके साथ हुआ है, उसके बारे में सोच रही है, सेकेंड थॉट अपनी ज़िंदगी में एक नया थॉट लाने की कोशिश कर रही है, स्पीड पोस्ट और बड़ा स्पीडअप होके वो इस थॉट को लाना चाहती है, डिसीजन करना चाहती है क्या करे, क्योंकि एक्चुअली इस तीनों बहनों में से एक बहन जिस लड़के से प्यार करती है उसकी जो स्पाउस है उसकी पत्नी आ जाती है एंड वो मैरिज के बारे में सच बताती है, और फिर संध्या को सीक्रेट पता लगता है। तो ये तीन बहनों में से एक संध्या है जिसे पता लगता है शेठ जी जिससे वो प्यार करती है वो ऑलरेडी एक्चुअली मैरिड है और उसने उसको धोखा दे दिया है। ठीक है, पर साथ में एक दूसरी बहन भी यहाँ पे है हमारी, शोभा। ठीक है, संध्या की दूसरी बहन है शोभा, वो कहती है नेवर अ डल डे, मतलब कभी कुछ भी हो जाए पर तुम अपनी जिंदगी कभी भी डल मत बनने देना, स्मॉल बिट्रेल से कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। ठीक है, तो संध्या ये जो सारा सोच रही है, जिस शेठ जी से वो प्यार करती है उसकी पत्नी ने आके बताया वो ऑलरेडी मैरिड है एंड उसके साथ तो धोखा हो गया है। ठीक है, तो फिर उस पे उसकी बहन, जो संध्या की बहन है शोभा, वो कहती है नेवर अ डल डे कि जो भी है तू अपना, मतलब इस वजह से दिल और दिमाग खराब मत कर, स्मॉल बिटेल ये छोटा ही धोखा है, हम इससे जो है बकअप कर जाएंगे। और आप देख सकते हैं जो स्मॉल बिटेल वर्क है ये दो बार आया है इनका वर्क है, 1995 में भी शोभा डे का आया है एंड 2014 में भी आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे वर्क हमारे शोभा डे के ऐसे ही हैं, स्टोरी लाइन हमने कर ली, सिक्वेंस में हमने हर को करने की कोशिश की ताकि क्रोनोलॉजिकली भी अगर आपको वर्क आए आप उन्हें अरेंज कर पाए। एंड आई होप ऑड वन आउट, कौन वर्क शोभा डे का है कौन नहीं, वो भी प्रश्न अगर आपको पड़ेंगे आप जरूर उन्हें कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से ये स्टोरी नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़े से आपके ले लेती हूँ। शीतल मैम, जो आप लिंग्विस्टिक पढ़ा रहे थे वो कंप्लीट था या अभी और उसमें पढ़ना है? शीतल बस बेटा तीन लेसन उसके लेने रहते हैं, वो क्लासेस ऐसे मैंने आज के लिए रख दी थी, पर हमारे सीएल सर ने हमें बताया है कि 24 घंटे कम से कम चाहिए क्लासेस लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो वो क्लासेस अगर मैं आज रख देती तो वो 24 घंटे नहीं हुए थे एंड बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं जा पाती, तभी मैं उसका लिंक भी शेयर नहीं कर पा रही थी। तो वो क्लासेस आपको 27, 28, 29, 30 को मिलेंगे, सिर्फ तीन सेशन रहते हैं, 27 को दो सेशन उसके रहेंगे, 28 को एक रहेगा, फिर बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हेलो गगनप्रीत, हेलो पवन, सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, तो अब आपको डेली 5 बजे एक तो मेरा यूट्यूब सेशन मिल जाएगा जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे है, एंड कल से मेरी प्लस क्लासेस फिर से हैं, सुबह 11:30 एंड देन 2:30
तो आपने जरूर आना है, वो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पे ही रहने वाली है। सभी प्लस लर्नर्स को मैं बता रही हूँ, और क्योंकि 2-3 दिन ड्यू टू हेल्थ इशू मुझे गैप लेना पड़ा, सभी बच्चे जानते ही हैं, एंड कोरोना का एक फेयर है तो सेफ साइड चलना ही जो है सही रहता है। आई होप आप सब समझेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात मैं सभी को कहना चाहती हूँ। लिंग्विस्टिक के सिर्फ 3 सेशन रहते हैं, एंड उनके लिंक बकायदा जो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है प्रीति मडियाल के नाम से, मैं वहां पर शेयर कर दूंगी। ओके बेटा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, और जब नोट हो जाए मुझे बता दीजिएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, और जब नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, आप सबकी ब्लेसिंग है। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया तो मुझे बता दीजिए एक बार। ओके, सभी ने नोट कर लिया, कोई क्वारीज तो नहीं है किसी की? ठीक है, तो डेली मैंने 5 बजे आना है क्लास लेने, आप सब जानते हैं, और लिंग्विस्टिक का मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, और सभी मेरा टेलीग्राम चैनल प्रीति मंडियाल के नाम से है, जुड़ना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है, आगे अपने बडीज़ के साथ भी शेयर करें कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, कैसा कंटेंट हमारे पास है। ठीक है, शीतल को क्लियर हो गया, वेरी गुड बेटा, मैं एकदम गगनदीप प्रीत बढ़िया हूँ, है ना, इस बार मैंने शुरू में ही ध्यान रखा। ये गगनप्रीत एक प्रश्न आप भी देख लेना, कब ये पब्लिश हुआ, ऐसे ये मैंने प्रेस में बताया है। ठीक है, ओके, चलो थम्स अप सबका डन है बेटा। ठीक है, चलो एक प्रश्न मैंने गगनप्रीत पीछे और भी दिया है कि शोभा डे को जैकी कॉलोनीज ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपने बताना है कि क्यों इन्हें जैकी कॉलोनीज ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा सबसे, ऐसे तो इनका बहुत सारे वर्क हैं, हमने प्रॉपर डिटेल करने हैं, पर ये हाफ एन आवर का सेशन है तो शोभा डे को लेकर जितना भी मैं इसमें करवा पाऊंगी मैं सारा करवा दूंगी, पर अगर आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से करना है एंड प्रॉपर आना है तो आप हमारी सब्सक्रिप्शन जरूर लें। ओके, बात क्या है ना बेटा, कंटेंट तो फ्री क्लासेस तो आती ही रहेंगी अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी, स्पेशल क्लासेस पे भी, पर अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो प्लस में आइए, वहाँ पर आपको पूरा फायदा मिल जाएगा। एंड प्रीति एम लाइव, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है मेरे अन अकेडमी प्रोफाइल का, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर जाकर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई क्वारी अगर आपकी प्लस को लेकर है तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगी। ओके, ओके, तो आइए बेटा इनका अब एक वर्क एटलीस्ट हम ले लेते हैं, आज हम कर पाएंगे, वो हमारे पास है बेटा सोशलिस्ट इवनिंग। ठीक है, तो सोशलिस्ट इवनिंग कहीं ना कहीं देखिए सबसे पहला वर्क हमने पढ़ा था शोभा डे का, तो सोशलिस्ट इवनिंग के बारे में सबसे पहली बात, ये 1989 यानी कि 1989 में ये वर्क आया है। अब देखिए इसमें क्या क्या खास बातें हैं। द स्टोरी इज सेट एट द बैकड्रॉप ऑफ मुंबई हाई सोसाइटी, तो सोशलिस्ट का नाम सुन के ये फीलिंग आ रही है ना, बड़े तबके के जो लोग होते हैं, हाई फाई एंड ऑल, तो बेटा इसका जो पूरा सेटअप है वो मुंबई की हाई सोसाइटी के बैकड्रॉप पे है, यानी कि जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, उसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनमें कैसे बैकड्रॉप होता है, यानी कि कहने को वो हमको बड़े हाई फाई लगेंगे पर अंदर से कैसी कमियां होती हैं उस पर बताने की कोशिश की गई है। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ बोर्ड हाउस वाइफ्स ऑफ रिच फैमिलीज हुज हस्बैंड रिमेन बिजी विद देयर वर्क एंड वाइफ चूज द ऑप्शन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो इसमें बेसिकली क्या मेंशन किया गया है बेटा, इसमें बेसिकली मेंशन किया गया है आपके ऐसी लाइफ्स का जो बोर्ड हाउस वाइफ्स हैं, बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती हैं पर उनके जो पति हैं हमेशा बिजी रहते हैं काम के साथ, तो वो इस चीज़ से दूर निकलने के लिए, अपने को खुश रखने के लिए, उनको भी समय मिले इस चीज़ के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना शुरू कर देती हैं। यानी कि अगर आप बाहर से देखो तो आपको ऐसा फील होगा यार कितने रिच हैं, कितने अमीर हैं, कितना गाड़ी, कितना पैसा है, कितने खुश हैं, पर अंदर से देखो तो बहुत ही लूप होल्स हैं, इनमें जो वाइफ्स हैं वो
अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं एंड उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक तरीका अपना लिया है खुद को खुश रखने के लिए। देयर हस्बैंड्स आर ऑफन सीइंग देयर वाइफ्स एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी रेदर देन देयर लाइफ पार्टनर। और यहाँ पर यह भी बताया गया है, यहाँ पर जो भी हस्बैंड हैं जो इतने रिच हैं, सब कुछ उनके पास है, वो हमेशा अपने पति को ना एक रिस्पेक्ट के वे से, सिंपल कहूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के वे में देखते हैं कि अच्छा ये हमारी पत्नी है एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें निभाना है इनके साथ, ठीक है। पर वो एज अ लाइफ पार्टनर उन्हें नहीं देखते कि ये मेरा पार्टनर भी है, मुझे इसके साथ चलना है, ये नहीं देखते। और यही वो लूप होल है जिस वजह से इन घरों की जो वाइफ्स हैं, बहुएं हैं, वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए विवश हो जाती हैं। करुणा द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज बोर्ड विद हर लाइफ एंड हस्बैंड एंड नाउ शी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर बोर्डम बाय राइटिंग अ मेम्योर। यहाँ पर करुणा नाम का करेक्टर है जो मेन सेंट्रल करेक्टर है, ठीक है, जो अपनी लाइफ से, अपने पति से बहुत बोर हो गई है एंड कहीं ना कहीं इस बोर्डम से बाहर निकलने के लिए वो मेम्योर लिखना शुरू करती है, ठीक है। मेम्योर क्या होता है? काइंड ऑफ अ बायोग्राफी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे अपने बारे में लिखना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना, वो लिखना शुरू कर देती है। जैसे काफी सारे लोग हैं ना दुख दर्द से भागने के लिए डायरी लिखना शुरू कर देते हैं समथिंग, ताकि वो थोड़ा सा कहीं उनका मन लग जाए, कहीं तो वो अपनी बात शेयर कर पाए, तो वही करुणा कर रही होती है। हर मेम्योर्स बिकम सक्सेसफुल एंड शी अचीव अ लॉट ऑफ फेम एंड प्राइड इन हर न्यू वेंचर। और कुदरती क्या होता है, करुणा ने कहीं ना कहीं दिल से लिखा होता है, दिल तक वो पहुंचता है एंड उसके जो भी मेम्योर होते हैं, जो भी इसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे होते हैं, ये बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और उसे बहुत फेम भी मिलती है एंड बहुत इज्जत भी मिलती है उसके इस नए काम में, ठीक है। बहुत मतलब पॉपुलर हो जाती है, उसका वर्क बहुत पॉपुलर हो जाता है। शी बिकम अ सोशलाइट एंड यूजेस दिस प्रोमिनेंस टू गेट अ जॉब ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर और अ क्रिएटर और अ टेलीविजन चैनल, ठीक है। और वो प्रॉपर एक सोशलाइट बन जाती है, यानी कि प्रॉपर एक बड़ी समाज के लेवल का पर्सन बन जाती है एंड यूजेस दिस प्रोमिनेंस टू गेट अ जॉब ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर और अ क्रिएटर ऑफ टेलीविजन चैनल। और अपनी उस पोजीशन का फायदा वो उठाती है ताकि प्रॉपर उसको जॉब मिल पाए, या तो एडवर्टाइजर कॉपीराइटर के तौर पर या क्रिएटर ऑफ अ टेलीविजन चैनल के तौर पर। मतलब वो पूरा इसका फायदा उठाती है कि उसको एक अच्छी पोजीशन पे इस वजह से जॉब मिल जाए, ठीक है। ये चीज यहाँ पर होती है एंड इसके अलावा बेटा यहाँ पर अंजलि भी है, एक जिकर है जो करुणा के फ्रेंड का रोल यहाँ पर प्ले कर रही है। सो दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट सोशलाइट इवनिंग, जो बड़े हाई फाई लोग हैं, कैसे उनकी इवनिंग्स, कैसे उनकी शामें बीतती हैं, कैसे पैसा है, सब कुछ है, पर लूप होल्स हैं अंदर एंड उन लूप होल्स की वजह से जिंदगी क्या से क्या हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने बेटा शोभा डे देखा, शोभा डे का लाइफ देखा, ओके, उनसे जुड़ी हुई तथ्य देखे, उनके वर्क देखे एंड प्रॉपर कोशिश की स्टोरी लाइन बनाने के माध्यम से, ताकि चाहे क्रोनोलॉजिकली देखने को आए हैं ऑड वन आउट आप आंसर कर सके एंड उनका एक वर्क भी देख लिया। इसके अलावा उनके बहुत सारे वर्क हैं, सिस्टर्स हैं, सेकेंड थॉट है, ठीक है, स्पीड पोस्ट है, ये सारे वर्क हैं। अगर आपने डिटेल प्रॉपर करनी है तो आप मुझे अन अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर लाइव अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है मेरे अन अकेडमी प्रोफाइल का, उसमें आइए, जुड़िए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं पर्सनली पूरा गाइड करूंगी दोस्तों। एक्चुअली प्लस में पता, एक तो हम लाइव पढ़ते हैं, पूरा कंटेंट हम क्लियर करते हैं, टिप टू टो पढ़ते हैं, आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ भी दी जाती है जिसे आप प्रॉपर प्रिंट आउट करा सकते हैं। खैर मैं अपनी क्लासेस में तो ऑन द स्पॉट ही नोट्स बनवा देती हूँ बच्चों के, प्रॉपर बच्चों की तरह भी स्टडी, कि हर यूनिट के लिए अलग से कॉपी लगाओ, हर यूनिट में अलग से लिखो, कलरफुल लिखो, राइट। एंड इसके अलावा आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहते हैं हर 3 दिन के बाद, जहाँ पर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, रिविजन हम कर लेते हैं, राइट। एंड साथ में आपके वीकली क्विज एंड मेगा क्विज भी रहते हैं, तो वो जब एग्जाम्स भी आपके होते रहे ना, तो एक पंथ दो काज हो जाता है, एक तरफ आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो एंड दूसरी तरफ आपका रिवाइज हो जाता है एंड
आपका टेस्ट होता रहता है तो आपकी तैयारी बहुत मजबूती से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो आप में से वो सभी मेरे फेलो फ्रेंड्स जो किसी वजह से बाहर महंगे शहरों में जाकर तैयारी नहीं कर सकते, महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते एंड साथ में मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं, लग रहा है कि अब हमारे सपने कहाँ पूरे होंगे, या कोई ऐसे हैं जो जॉब में बंधे हैं या पढ़ रहे हैं, वो ज़रूर अनअकैडमी से जुड़ें। अनअकैडमी एजुकेशन में एक बूम है और अपने सपने पूरे करें, ठीक है। तो अब लेती हूँ मैं अलविदा। वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छा लगे अपने बडीज के साथ जरूर शेयर करें, मुझे फॉलो करें, नीचे अनअकैडमी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है एंड प्रीति मडियाल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी जरूर ज्वाइन करें। और कोई भी क्वारी हो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करके यू कैन मैसेज, आई वुड पर्सनली गाइड यू, पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगी कैसे क्या आपने करना है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग एंड डेली मैं आ रही हूँ 5 बजे, तो कल भी मैं 5 बजे आऊंगी। अब हमारे सेशंस फिलहाल हाफ एन आवर के हैं, तो कल मैं एक नए राइटर के साथ आपके सामने आऊंगी। ओके बेटा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, मिलते हैं कल 5 बजे। एंड प्लस के बच्चे तो जानते ही हमने कब